प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से रोजाना मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। वहीं लगातार बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज मिलने से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कोरोना महामारी पर बेतुका बयान दिया गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि इतिहास उठाकर देख लो, हर 100 वर्ष में महामारी आती है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर विधायक, मंत्री, प्रशासन सभी कोशिश में लगे हैं, लेकिन महामारी आती है तो हमें भी कुछ समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वहीं मीडिया को नसीहत देते हुए विजय वर्गीय ने कहा कि मीडिया को भी महामारी में नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। जहां देखो वहां मीडिया लाशों के ढेर दिखाने में लगी है तो कहीं मरीजों को तड़पते हुए दिखा रही है। इससे पैनिक हो रहा है कि मीडिया को पॉजिटिव न्यूज़ दिखानी चाहिए। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए विजय वर्गीय ने कहा कि कांग्रेस महामारी में भी नौटंकी कर रही है। कांग्रेस द्वारा धरने पर बैठने पर कहा कि धरने पर बैठने से सिर्फ पेपर में फोटो आते हैं, महामारी में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था करना चाहिए। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अलग ही नजर आए। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को होने वाले 6वें राउंड के चुनाव के बाद ही बीजेपी मेजोरिटी हासिल कर लेगी। 7वें और 8वें राउंड तक तो बीजेपी के पास 200 के लगभग सीट आ जाएंगी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना लेगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बहुत अच्छे हालात हैं। मेरा ख्याल है कि जो 22 तारीख को इलेक्शन होगा तो हमें 6ठे राउंड में कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल जाएगी और 7वें और 8वें मतलब उसके बाद 26 और 29 को और 2 राउंड और है, उसमें हम 200 तक पहुँचेंगे। इंदौर में सर जो है हालात बेकाबू हो रहे हैं कोरोना को लेकर, लगातार अस्पतालों में खबरें आ रही हैं कि इलाज नहीं हो पा रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, शासकीय अस्पतालों में भी काफ़ी लापरवाही की बातें सामने, कालाबाजारी बहुत हो रही है। देखिए जितनी कोशिश होती है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे विधायक, मंत्री, जिला प्रशासन सब अपनी कोशिश कर रहा है, पर जब महामारी आती है तो हमें भी थोड़ी सी स्थिति को समझना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में सबको सहयोग करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सहयोग करें। मैं तो मीडिया के लोगों से ये भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो रोज़ कोविड का पैनिक दिखा रहे हैं आप, कभी लाश का ढेर दिखा रहे हैं, कभी मरते हुए लोग, कभी चिल्लाते हुए लोग, कभी तड़पते हुए लोग, इससे पैनिक हो रहा है। कम से कम महामारी है और ये कभी कभी 100 साल में आती है, हमेशा इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। ऐसे समय में ये भी दिखाएं कि डॉक्टर 24 घंटे कैसे काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कैसे काम कर रहा है। जनता में कई ऐसे लोग हैं जो नॉन मेडिको है और सेवा कर रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन सेवा कर रहे हैं, उनको भी दिखाएं, क्योंकि एक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी इस समय में समाज के अंदर, और वो मीडिया बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो चीज़ है वो तो दिखाइए, पर साथ में कुछ पॉजिटिविटी भी हो समाज के अंदर, वो भी दिखाएंगे तो लोगों में एक पैनिक पैदा नहीं होगा। अच्छा, विपक्ष का हस्तक्षेप किया जा रहा है लगातार, जो विधायक है संजय शुक्ला वो कहीं अस्पताल में पहुँच रहे हैं जिससे विवाद की स्थिति बन रही है, डॉक्टरों को वो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और अपनी तरफ से नर्स रखने की बात भी कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मैं ब्लैंक चेक देता हूँ आपको। देखिए अब वो पैसे वाले हैं, वो चेक देख सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अभी ऐसे समय में ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं समाज के अंदर, इस विपरीत परिस्थिति में हम कितना पॉजिटिव काम कर सकें, हम कितना समाज को संभाल सकें, हम विपरीत परिस्थिति को कितना अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकें, इसका यदि सामूहिक प्रयास होगा राजनीति से ऊपर उठकर, तो इस महामारी से हम आराम से निपट लेंगे। पर यदि हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को उंगली उठाएंगे, तो सबका नुकसान होगा, पूरे समाज का नुकसान होगा। नहीं, ऐसी नौटंकी से कुछ भी नहीं होता, ऐसी नौटंकी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, किसी को बदनाम करने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार को बदनाम करेंगे तो आप वो पीसी शर्मा बैठ गए धरने पे, तो किसी की जान बच जाएगी क्या? क्या होगा बताइए मुझे, उससे सिर्फ उनका पेपर में फोटो छपेगा, इसके अलावा और क्या होगा? कोई अच्छा काम करिए, कहीं ऑक्सीजन ढूंढिए, कहीं इंजेक्शन ढूंढिए, अपने संपर्कों का लाभ उठाकर किस प्रकार आप समाज में कुछ कर सकते हैं उसकी चिंता करिए। कैलाश जी, जो अपने वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर लेते हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे, एक टाइम से जो लगने जा रहा है? मैं अच्छा निर्णय है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए और समाज में ज़्यादातर लोगों को इंजेक्शन लगे, वैक्सीनेशन लगे, इसकी हमें चिंता करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन से
इंजेक्शन के बाद जिन लोगों को कोरोना हुआ है, हमने देखने में आया कि उसको शारीरिक क्षति कम हुई है और कोरोना निकल गया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन का भय नहीं होना चाहिए समाज। इससे पहले हो जाना चाहिए भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।